प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के होटल रेडिशन ब्लू में 1 करोड़ की ज्वेलरी से भरा पर्स ले उड़ा बदमाश। होटल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। पहले भी शादी समारोह में हो चुकी है ऐसी वारदात। केसरिया जी में अनियंत्रित बस ने बाइक सवार को लिया चपेट में, मौके पर हुई मौत। हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से हुए फरार। उदयपुर में सिटी रेलवे स्टेशन के सामने रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध गैस भंडारण का पर्दाफाश, 250 से ज्यादा अवैध सिलेंडर जब्त। और गोगुंदा पुलिस ने किया चोरियों की वारदातों को अंजाम देने वाली शातिर गैंग का पर्दाफाश, अभी तक 40 से ज्यादा वारदातें कबूली। इन दिनों शहर के बड़े बड़े रिसोर्ट होटल के अंदर शादी समारोह चल रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर आप शादी समारोह में जा रहे हैं या आपके परिवार की शादी है तो जरा चौकन्ने रहिए, क्योंकि इतने शातिर किस्म के चोर उचक्के इन शादी समारोह में शिरकत कर जाते हैं और फिर जेवर और नकदी से भरा हुआ बैग कब पार कर जाते हैं किसी को भनक तक नहीं लगती। फतेहसागर किनारे रेडिसन ब्लू होटल में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया है, जहां पर हीरे से बनी ज्वेलरी को एक युवक वहां से उठाकर चलता बना और किसी को भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई है। इसमें होटल प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पर छलक रही है कि उन्होंने उस व्यक्ति को कैसे अंदर आने दिया, या कोई वो परिचित था या फिर वो कोई चोरी छुपे अंदर घुसा था, ये जांच का विषय है। रेडिसन ब्लू में शादी समारोह का आयोजन था जिसमें 1 करोड़ से अधिक की हीरे से बनी ज्वेलरी एक युवक उठाकर चलता बना। घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक बदमाश टेबल पर रखा पर्स ले जाता हुआ दिख रहा है। होटल प्रबंधन और इवेंट कंपनी की गलती से बदमाश होटल में घुस गया और हीरे के जेवरात और नकदी से भरा हुआ यह पर्स उड़ाकर चलता बना। जानकारी के मुताबिक होटल रेडिसन ब्लू में मुंबई के परिवारों की शादी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, जिसमें दोनों परिवारों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। सोमवार को कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान खाना भी चल रहा था। शादी समारोह में शामिल हुई एक महिला ने खाना खाकर अपना पर्स टेबल पर रखकर हाथ धोने बाथरूम में गई। इस दौरान एक युवक आया और टेबल पर रखा पर्स पार कर चलता बना। जब हाथ धोकर महिला वापस आई तो देखा कि उसका पर्स गायब था। इस पर उसने पहले तो यह समझा कि परिवार से ही किसी सदस्य ने वहां से उठा लिया होगा। जब परिजनों से पूछताछ की तो किसी के पास पर्स नहीं मिला तो उनके होश फाकता हो गए। इस पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि टेबल पर रखा यह पर्स एक युवक उठाकर ले जाता हुआ दिख रहा है। पर्स में हीरे से बने जेवरात थे जिनकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। उसके अलावा कुछ नकदी भी इस पर्स में रखी हुई थी। देखकर तत्काल पुलिस को बताया गया, जिस पर थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह मैजाबते मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए और आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। होटल प्रबंधन और इवेंट कंपनी से भी पूछताछ की जा रही है कि कौन लोग होटल के अंदर थे और किनसे होटल के अंदर व्यवस्थाओं का काम करवाया जा रहा था। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख, तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 02942429044। उदयपुर के केसरिया जी में एक बस द्वारा बाइक को टक्कर मारने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के केसरिया जी थाना क्षेत्र के पीपली महादेव मंदिर के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पीपली महादेव मंदिर के पास ही यह हादसा हुआ। बस ने बाइक सवार को पहले टक्कर मारी और उसके बाद उसे घसीटते हुए तकरीबन 50 मीटर तक ले गया। गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह बस अहमदाबाद से भिंड जा रही थी। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। इसके चलते सवारियां काफी देर तक परेशान होती रही और सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची और शव को एम्बुलेंस के जरिए मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, उसके बाद सवारियां अपने स्तर से दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य के लिए पहुंची। श्री जी एक्सोटिका और रूप मधुबन प्रोजेक्ट की अपार सफलता के बाद अरिहंत ग्रुप लेकर आए हैं अपना नया प्रोजेक्ट।
श्री जी एक्सोटिका फेस टू, मॉडर्न एमिनिटीज वाले आलीशान घर, उदयपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पर, सेलिब्रेशन मॉल के पीछे, जहां मिलेगी कई मॉडर्न एमिनिटीज जैसे गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल और योगा रूम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं। लग्जूरियस 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स की बुकिंग के लिए संपर्क करें श्री जी डेवलपर्स, शोभागपुरा सर्किल के पास, उदयपुर। उदयपुर में रसद विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि ये कार्रवाई काफी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहां पर चरितार्थ हो रही है। रसद विभाग ने सिटी रेलवे स्टेशन के पास नटराज होटल के पीछे वाली गली में कार्रवाई की। मुखबिर की रिपोर्ट पर यहां पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर का स्टॉक किया हुआ था और यहां पर रिफिलिंग का काम भी चल रहा था, जिसको लेकर कार्रवाई की गई और यहां पर 240 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कई सिलेंडर में पाइप लगी हुई और गैस कम मिली है, ऐसे में अब जांच हो रही है। उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन के सामने होटल वेंकटेश के पास गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण पर रसद विभाग की टीम ने सोमवार को छापा मारा। मौके पर पकड़े गए 240 से ज्यादा गैस सिलेंडर, जिनमें कईयों में पाइप लगी हुई थी और गैस कम थी। अधिकारियों ने गैस सिलेंडर जब्त करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्लास्ट होता तो यहां पर बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी, ऐसे में अब कार्रवाई की जा रही है कि आखिर ये गैस सिलेंडर किस हॉकर के जरिए कहां कहां पर पहुंचते थे और किस एजेंसी से ये गैस सिलेंडर निकलते थे। जिस गोडाउन से ये गैस सिलेंडर निकलते थे, अवैध भंडारण जहां पर होता था, वहां पर अवैध रूप से कितने सिलेंडर मिले हैं, ये पूरी तरीके से जांच होने के बाद पता चलेगा। आपको बता दें कि उदयपुर के ऐसे कई और भी इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम चलता है। अवैध रूप से गैस सिलेंडर को सड़क के किनारे या एकांत जगह पर स्टॉक करके रखा जाता है। लोगों को एक तो सिलेंडर में गैस कम मिलती है, दूसरा ये एक तरह से बारूद का ढेर होता है जो ऐसी जगह पर संचालन करते हैं जहां पर कोई होता नहीं है, लेकिन जब कभी भी हादसा हुआ तो बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। ऐसे में रसद विभाग को ऐसी कार्रवाई हमेशा तय समय पर करते रहना चाहिए। मुझे दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नटराज होटल के पीछे सिलेंडरों का अवैध भंडारण और रिफिलिंग का कार्य किया जाता है, और इसी कारण से यहाँ साथ के DSO स्टाफ के कुछ लोग और मैं आया यहाँ पे। मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों में सिलेंडर खड़े हुए हैं और उन्हीं की कार्रवाई अभी चल रही है। बिल्कुल ये अवैध भंडारण है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है और इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सिलेंडर रख रखे हैं। अभी इनकी काउंटिंग चल रही है। यहाँ पे इंडेन के भी हैं, HP के भी हैं, भारत गैस के भी। बिल्कुल वो सारी कार्रवाई हम वजन तौल तौल के प्रत्येक सिलेंडर की तौल पट्टी बना रहे हैं, और जो भी कम भी है, कुछ सिलेंडरों में ज़्यादा भी निकला है, कुछ में कम भी निकला है, कुछ में गैस रिफिलिंग के द्वारा भी भरी जा रही थी, वो शायद हो सकता है इनके द्वारा इधर उधर कहीं करके इनको सिलेंडर को छुपा के इधर उधर रखने की कोशिश की जा रही होगी। बट वो हमने देख लिए, उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उनको वापस यहीं ला रहे हैं। जितने भी सिलेंडर हैं सबको जो भी कार्रवाई होगी आगे के लीगल उस पर कार्रवाई की जाएगी। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to second standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले के गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कस्बे में हुई एक चोरी की जांच के दौरान एक गैंग को पकड़ा है, जिनसे करीब 40 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया। गोगुंदा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि कस्बे में भगत सिंह झाला और राजेंद्र चौहान के घर हुई चोरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी। इस दौरान पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत 2 अवैध देसी कट्टों के साथ आरोपी प्रकाश वडेरा और अंकित वडेरा निवासी खाकड़ थाना जाड़ौन को गिरफ्तार किया, जिनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। बदमाशों से मनोवैज्ञानिक तौर पर पूछताछ की गई तो दोनों आरोपियों द्वारा 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर रात्रि के समय बंद मकानों में चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने ताबड़तोड़ टीमें गठित कर दोनों सहयोगी आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ शुरू की तो एक के बाद एक तकरीबन 40 से ज्यादा चोरी की वारदातें इस गैंग ने कबूल कर ली है। पुलिस महेंद्र वडेरा और राहुल वडेरा को गिरफ्तार करने के साथ ही उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपियों से जो पूछताछ की उसमें सामने आया कि ये आरोपी आसपास के क्षेत्र में
घूमते हुए बंद पड़े मकानों का पहले पता लगाते थे, फिर रात में रेकी किए हुए मकान का ताला तोड़कर उसके अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस सामान को ले जाकर आसपास के इलाकों में औने पौने दामों पर बेचने का काम भी ये लोग करते हैं। इस गैंग ने गुजरात के एडर, उदयपुर शहर के तमाम थाना क्षेत्रों के अलावा गोंदा और जाड़ोल में भी चोरी की कई वारदातें करना कबूला है। आरोपियों से सोने के आभूषण, नकदी, करीब 30 से अधिक मोबाइल, 2 लैपटॉप, आधा दर्जन कैमरे, आधा दर्जन साउंड सिस्टम बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अब सोना चांदी खरीदने वालों और मोबाइल के लॉक तोड़ने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गोंदा थाना क्षेत्र के अंदर विगत 3 माह से चोरियां हो रही थी, जिसको लेकर श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी मुख्यालय डिप्टी साहब गिरवा के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। इसको लेकर एसएचओ साहब के द्वारा टीम गठित की गई, एसएचओ साहब द्वारा टीम गठित की गई, अलग अलग टीम गठित की गई। इसमें टीम गठित करने के बाद आसूचना अधिकारी के द्वारा भी सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए गए। आसूचना अधिकारी नरेंद्र जाकर की सूचना प्राप्त हुई थी एक दिन, जिसमें एक व्यक्ति देसी गट्टे के साथ में घूम रहा है, जिसको थाना आजा पर थाना आजा के जाब्ता द्वारा पकड़ा गया और उसके साथियों के बारे में पूछताछ की थी। तो उसके एक साथी के द्वारा और कट्टा रखना लेके इधर गोगुंदा की तरफ आना बताना था, जिसमें गोगुंदा थाना क्षेत्र की टीम, गोगुंदा थाना की टीम द्वारा उस व्यक्ति को भी घेरा बना कर पकड़ा और उक्त व्यक्ति से पूछताछ, दोनों व्यक्ति से पूछताछ की गई तो ज्ञात आया कि उन्होंने गोगुंदा में पूर्व में भी चोरियाँ की हैं और उदयपुर में भी चोरियाँ की, जिस पर उनके अन्य साथियों के बारे में दबिश दी जाकर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में उक्त चार अभियुक्त पकड़े, जिनसे क्या कहते हैं अलग अलग मुकदमों में पकड़े गए हैं, 2 आम सेक्ट में मुलजिम है और बाकी 2 चोरी के प्रकरण पुराने गोगुंदा के उनमें मुलजिम है। इनसे 40 से ज्यादा 40 वारदातें इन्होंने कबूल करना बताया। उदयपुर के प्रताप नगर स्थित PM3 केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आई स्टार्ट राजस्थान, आई स्टार्ट स्कूल और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इंक्यूबेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोमवार को राजस्थान सरकार के IT और संचार विभाग की प्रमुख पहल पर आई स्टार्ट राजस्थान ने उदयपुर में आई स्टार्ट स्कूल और नेस्ट जिला इंक्यूबेशन संभागीय आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अधिकारी और छात्र छात्राओं और सलाहकारों सहित 140 से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान युवा उद्यमी फाउंडर आयुष व्यास ने छात्र छात्राओं को उद्यमी कैसे बने इसके लिए संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। स्टार्टअप मेंटर सलाहकार संदीप शर्मा और सौरभ वैष्णव द्वारा कलेक्ट्रेट में संचालित आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में जानकारी साझा की। समीर खान ने आई स्टार्ट स्कूल और नेक्स्ट जिला इंक्यूबेशन प्रोग्राम और DOITC डिपार्टमेंट द्वारा संचालित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और टिंकरली लैब की विस्तृत जानकारी छात्रों को दी। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के उपाचार्य अब्दुल हसीन खान ने छात्र छात्राओं को स्वरोजगार को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उदयपुर जिले के भिंडर थाना क्षेत्र में हॉस्पिटल में एक युवक के शव को छोड़कर जाने वाले मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है, लिहाजा पुलिस की कार्रवाई धीमी गति से होने से परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी इस घटना के बाद मृतक के परिजनों के पास गए थे। डांगी ने डिप्टी से बात की और कार्रवाई के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे 3 युवक कार से भिंडर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे थे। वे कार के अंदर से एक बेसुध युवक को हॉस्पिटल इमरजेंसी में भर्ती करवाकर बताया कि युवक डुंगला क्षेत्र में वाहन दुर्घटना में घायल हो गया है। वहां पर युवक को छोड़कर तीनों लोग भाग गए। डॉक्टरों ने जब स्ट्रक्चर पर पड़े युवक की जांच की तो वह मृत पाया गया। मृतक की पहचान बड़ा राजपुरा निवासी मदन मोहन पुत्र कैलाश चंद पाटीदार के रूप में हुई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया लेकिन इसके बाद पुलिस ने इसे दुर्घटना मान लिया है। इधर परिजनों से मिलने के लिए बल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी पहुंचे तो उन्होंने डिप्टी रविंद्र प्रताप से फोन पर बात करते हुए कहा कि इस घटना को एक्सीडेंट कैसे माना जा रहा है। मुकदमा धारा 302 में दर्ज किया गया है तो उस हिसाब से मामले की जांच होनी चाहिए। डांगी ने कहा कि घटना स्थल से मृतक की बाइक अभी तक बरामद नहीं हुई है। मौके से उसका पर्स, चेन, अंगूठी और मोबाइल भी गायब है। पुलिस के आश्वासन पर परिजनों ने शव उठा लिया। विधायक ने डिप्टी से कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करो। एक्सीडेंट में आग ऐसी होती नहीं, आग एक्सीडेंट या तो छिलती है, ऐसी नीली जैसे गोसा रखे करे, देखना वीडियो देखा, इनको गिरफ्तार करो, सब सामने आ जाएगा। तीनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। अब देखो एक्सीडेंट की मोटरसाइकिल नहीं, भाई हॉस्पिटल गए, एक्सीडेंट बताया तो मोटरसाइकिल का, और अब तक मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी बात हो गई। एक्सीडेंट होगी तो मोटरसाइकिल तो रोड भी पड़ी रहती, किसी किसी के तो आ चढ़ जाती।
अखबार में आया है इतना बड़ा कांड हुआ, तो कोई तो कहते मोटरसाइकिल ये पड़ी, मोटरसाइकिल भी तो कहते ठिकाने लगे ही। इधर इस प्रकरण में मृतक के पिता कैलाश चंद ने परिजनों के साथ एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। परिजनों का कहना है कि उनके पुत्र को चिकित्सालय लाने में पुष्पेंद्र सिंह पुत्र निर्भय सिंह निवासी सरथला, जिनका पलोदरा रोड पर वेज नॉन वेज का ढाबा है, जो कभी कभार उनके पुत्र की दुकान पर भी आता जाता था, इसके साथ उसके दो अन्य साथी राजू पुत्र बालू गुज्जर निवासी किशन करेरी और रतन सिंह पुत्र किशन सिंह देवीपुरा किशन करेरी का रहने वाला है। मृतक के पिता कैलाश चंद्र ने बताया कि जांच अधिकारी जानबूझकर उसके पुत्र की हत्या के मामले को मोड़ देते हुए दुर्घटना का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। परिजनों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या के कारणों का पता लगाने की भी बात रखी है। इस मामले में अभी तक की जो जांच हुई है उसमें पुलिस की ओर कहा जा रहा है कि ये एक हादसा हुआ था जिसके चलते जो तीन युवक थे वो पहले इसको डूंगला हॉस्पिटल लेके गए थे और वहां से उसे रेफर किया गया था, तो ये उदयपुर नहीं पहुंचकर फिर भिंडर हॉस्पिटल चले गए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये मृत घोषित कर दिया गया है तो वो घबरा कर भाग गए हैं। हालांकि इस मामले की पूरी बारीकी से जांच होनी चाहिए। इसके साथ जो घटना हुई है घटना दुर्घटना को रूप में तब्दील कर रहे हैं, लेकिन दुर्घटना नहीं है। इसकी फोटो फुटेज वगैरह देखने के बाद इसकी बॉडी का जो हमने पूरा रेस्क्यू किया उस रेस्क्यू में लगता है पूरी इसके साथ कोई इसके साथ कोई हत्या का काम किया गया है। इन्होंने कल जो बात हुई एसपी साहब से वो चाह रहे थे एक भाई के सभी प्रतिनिधि मंडल पूरा एसपी साहब से मिलकर हमें जो आश्वासन दिया गया वो पूरी घटना को पूर्ण रूप से जो यथा स्थिति है या जो कांड हुआ है उसको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए यही हम मांग करते हैं। पैसिफिक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह रविवार को आयोजित हुआ, जिसमें साल 2023 में स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा और पीएचडी की उपाधि अर्जित करने वाले 952 विद्यार्थियों को डिग्री वितरित की गई। दीक्षांत समारोह में भारत के साथ सर्बिया, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, रूस, स्कॉटलैंड, जॉर्जिया और पोलैंड से आए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। परेड के बाद चेयरपर्सन राहुल अग्रवाल की घोषणा के साथ ही समारोह का उद्घाटन हुआ। इस दौरान पैसिफिक समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन अग्रवाल, मुख्य अतिथि यूनेस्को MGIEP चेयरमैन प्रोफेसर बीपी शर्मा, गेस्ट ऑफ ऑनर सिक्योरमीटर के चेयरमैन संजय सिंगल, स्पेशल गेस्ट मोहनजी फाउंडेशन के फाउंडर मोहन जी मौजूद रहे। रजिस्ट्रार शरद कोठारी, प्रेसिडेंट प्रोफेसर के दवे, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तमाम सदस्य और एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। डीन पीजी प्रोफेसर हेमंत कोठारी ने बताया कि इस सत्र में स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण रहे 448 विद्यार्थियों, 155 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और 269 डिप्लोमा विद्यार्थियों को डिग्री और 80 पीएचडी शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। चैरिटेबल ट्रस्ट रूप रजत फाउंडेशन की एनुअल जनरल मीटिंग सोमवार को हुई। रूप मधुबन स्थित सुरेश चंजी गुंदेजा के निवास पर मंगलाचरण के साथ इस बैठक को शुरू किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 का लेखा जोखा और आय और व्यय के साथ ही पूरा ब्यौरा ट्रस्टियों को दिया गया। चैरिटी के कार्य करने वाले रूप रजत फाउंडेशन द्वारा बनाए गए भवन में सिर्फ राजस्थान ही नहीं हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई जैसे स्थानों से आने वाले यात्रियों के लिए 400 रुपए प्रतिदिन में ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। ट्रस्ट के चेयरमैन शांतिलाल सुराणा, अध्यक्ष नवरतन मल गुंदेचा, उपाध्यक्ष सुरेश गुंदेचा, हनुमान चंद खमेसरा, महामंत्री कांतिलाल नाहर मौजूद रहे। संस्था को और अधिक सुदृढ़ और समृद्ध किस तरीके से किया जाए इस पर भी इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। चेयरमैन श्रीमान शांतिलाल साहब सुराणा, अध्यक्ष श्री नवरतनमल जी गुंदेचा, उपाध्यक्ष सुरेश जी गुंदेचा और हनुमान चंद जी साहब खिवेसरा, वो भी उपाध्यक्ष हैं, उसके साथ में माधन मंत्री कांतिलाल नाहर और माधन मंत्री शांतिलाल पटवा आदि, कोषाध्यक्ष पारसमल जी बोहरा आदि समस्त पदाधिकारी की उपस्थिति इस अवसर पर प्रार्थनीय रही। उन सब ने इस संस्था को कैसे प्रगति किया जाए, इसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इसको और क्या सुविधा से लैस किया जाए, ये सभी पर विचार विमर्श हुआ और सभी ने इस पर अपनी सहमति जताई और भविष्य के फ्यूचर प्लान के बारे में सबके समक्ष आय व्यय का विवरण भी रखा, साथ में इसकी उन्नति कैसे की जाए उस पर भी विचार विमर्श हुए और बैठक में अन्य सभी विषयों पर जो
बात बताई गई उसे सर्वसम्मति से पास किया गया। संस्था की मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए सुरेश चंद गुंदेजा ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन में संस्था का कार्यालय और भवन बना हुआ है, साथ ही इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में भी है। पिछले 2 वर्ष से इस संस्था की मीटिंग आयोजित नहीं हो सकी थी, ऐसे में साल 2021 से 22 और 22 से 23 के वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत करने के साथ ही सोमवार को उदयपुर में मीटिंग आयोजित की, जिसमें आय व्यय का लेखा ट्रस्टियों के सामने रखा गया। रूप रजत फाउंडेशन मारवाड़ जंक्शन बेंगलोर हेड ऑफिस है, इनकी यहाँ उदयपुर में आज मीटिंग रखी गई है। पूरे 2 साल में रखी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे उदयपुर में रखी गई है। यह बिल्डिंग रूप मधुबन शोभापुरा में रखी थी, सब लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना, घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी सेक्टर 5 मेन रोड उदयपुर। साबला कस्बे में मारुति ज्वेलर्स दुकान पर नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी में प्रयुक्त की कार और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। अभियुक्तगण गूगल मैप के जरिए रेकी करते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। डूंगरपुर के साबला थाने में रविश सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि बिजनवा माता रोड पर रामदेव मंदिर के पास उसकी मारुति ज्वेलर्स नाम से जेवरात की दुकान है, जिसमें 16 दिसंबर को रात्रि के समय अज्ञात चोरों द्वारा दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और सोने चांदी के जेवर चुरा कर ले गए। पुलिस ने चोरी की इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया, जो चोरी लूट नकबजनी की वारदातों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ कर उनसे पूछताछ में जुट गई। इसी को लेकर पिंकेश और पिंकू पिता गरुड़िया कंजर निवासी मुंडावरी थाना बेगू जिला चित्तौड़गढ़ और परमेश पिता बाबूलाल कंजर निवासी चितवाड़ा थाना बिजोलिया जिला भिलवाड़ा और उसके अन्य साथियों द्वारा कस्बा के मारुति ज्वेलर्स दुकान में चोरी करना कबूल किया गया। इन दोनों से पूछताछ करते हुए चोरी में प्रयुक्त कार और चांदी के जेवरात इनसे बरामद किए गए हैं। राजसमंद कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से संपर्क पोर्टल पर लॉगिन करते हुए शिकायतों का समाधान करते हुए उनका निस्तारण समय पर करें। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों को पूरी तरह से गंभीरता से लेना होगा, हर परिवादी को राहत पहुंचानी होगी। इसी तरह जिला परिषद सीईओ राहुल जैन ने बैठक में सभी अधिकारियों से अपने अपने विभागों के परिसरों में साफ सफाई सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों से विभागों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। राजसमंद कलेक्टर भंवरलाल ने अधिकारियों की मैराथन बैठक के लेने के साथ ही चिकित्सा संस्थानों का भी निरीक्षण किया और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने कमला नेहरू अस्पताल, कांकरोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला टीबी हॉस्पिटल, अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पतालों में मरीजों को संतुष्टिजनक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई पर जोर देते हुए नियमित साफ सफाई सुनिश्चित कर परिसरों को सुंदर रखने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों को दिए जा रहे उपचार और मरीजों से बातचीत करके चिकित्सा सुविधा का फीडबैक लिया, जिस दौरान चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। अन्नपूर्णा रसोई के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने गुणवत्तापूर्ण भोजन आगंतुकों को उपलब्ध कराने के जरूरी निर्देश भी दिए। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के होटल रेडिशन ब्लू में 1 करोड़ की ज्वेलरी से भरा पर्स ले उड़ा बदमाश। होटल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। पहले भी शादी समारोह में हो चुकी है ऐसी वारदात। केसरिया जी में अनियंत्रित बस ने बाइक सवार को लिया चपेट में, मौके पर हुई मौत। हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से हुए फरार। उदयपुर में सिटी रेलवे स्टेशन के सामने रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध गैस भंडारण का पर्दाफाश, 250 से ज्यादा अवैध सिलेंडर जब्त। और गोगुंदा पुलिस ने किया चोरियों की वारदातों को अंजाम देने वाली शातिर गैंग का पर्दाफाश, अभी तक 40 से ज्यादा वारदातें कबूली। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लाल स्मृतिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप नए न्यूज 9 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।